पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन के तत्वावधान में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का शुभारंभ 28 अक्टूबर को महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय परिसर गोरखपुर में रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाए जाने के साथ हुआ। यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, पुल कारखाना गोरखपुर कैंट, सिग्नल कारखाना गोरखपुर कैंट एवं स्टोर डिपो गोरखपुर में भी शपथ ग्रहण के अतिरिक्त सतर्कता जागरूकता से संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी निखिल पांडे ने महाप्रबंधक कार्यालय से प्रारंभ होने वाले सतर्कता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निखिल पांडे ने रैली का नेतृत्व स्वयं किया। इस रैली में सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित रेल अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा संगठन के सेवकों तथा स्काउट एवं गाइडों ने भाग लिया। ये रैली यांत्रिक, कार्मिक, इंजीनियर, वाणिज्य, विद्युत, भंडार एवं लेखा विभागों से गुजरती हुई महाप्रबंधक कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क कर उन्हें सतर्कता के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर स्टेशन पर शपथ, इंजीनियर प्लेस ग्रहण के साथ ही शिकायत एवं सुझाव बूथ का आयोजन किया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के कलाकारों द्वारा ईमानदारी एक जीवन शैली नामक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार और दुष्परिणामों एवं ईमानदारी की महत्ता पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में रेल कर्मचारियों के लिए सतर्कता क्विज का आयोजन भी किया गया।